इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की पूजा विधि, पूजा का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, धनतेरस की पूजा हमें किस शुभ मुहूर्त में करनी है और धनतेरस की पूजा सामग्री। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। धनतेरस की संध्या में यमदेव निमित्त दीपदान किया जाता है। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्यु देव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि ग्रह लक्ष्मी इस दिन दीपदान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बर्तन खरीदने की परंपरा को पूर्ण अवश्य किया जाना चाहिए। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरी का अहम धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से प्रकट हुए थे, इसी कारण इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के साथ ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। धनतेरस की पूजा सामग्री इस प्रकार है: 21 पूरे कमल बीज, मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ये 10 ग्राम या अधिक भी हो सकते हैं, पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, माला, हल्दी, शहद, कपूर। अब हम जानते हैं धनतेरस 2020 के पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का त्यौहार 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर 2020 शाम 5:30 से 5:59 तक है। धनतेरस की पूजा विधि इस प्रकार है: धनतेरस को संध्या के समय शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर को एक पटली पर स्थापित करें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। उसके बाद चंदन से तिलक करें। पूजा के समय कुबेर जी के मंत्र ओम ह्रीम कुबेराय नमः का जाप करें। धन्वंतरी स्त्रोत का पाठ करें। धन्वंतरी भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। कुबेर जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन भी अवश्य करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष भी दीपदान करें, यानी दीपक जलाएं, तिलक करें, माँ लक्ष्मी जी को कमलगट्टे अर्पित करें, भगवान गणेश माँ लक्ष्मी को फूल और फल अर्पित करें, उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाएं, तत्पश्चात आरती करें। फ्रेंड्स, धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की विधि इस प्रकार है: किसी पटले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद आटे या मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक पर तिलक करें, चावल, चीनी और फूल अर्पित करें, घर के लोगों को तिलक करें, दीपक की बाती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि यह दीपक यम देवता के लिए जलाया जाता है और दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता दी फ्रेंड्स।